तो दोस्तों अगर आप भी Realme 10 Pro Plus 5G डिवाइस यूज़ करते हैं तो फाइनली यहाँ पे न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट जो है मार्च का रिलीज हो चुका है। जैसा कि आपको पता है आज एंड ऑफ द डे है, 31 मार्च है, तो ऐसे में यहाँ पे न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट जो है रिलीज़ किया गया है Realme 10 Pro Plus 5G यूजर्स के लिए। आपको क्या कुछ फीचर्स मिलने वाले हैं इसी न्यू अपडेट में, मैं इस वीडियो के थ्रू डिस्कस करने वाला हूँ। वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा, आपको इस वीडियो के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन सॉफ्टवेयर अपडेट से रिलेटेड मिलने वाली है। और अगर आप इस चैनल पर नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि फ्यूचर में जब भी हम वीडियो तो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको हमारे वीडियो अपलोड करते ही मिल जाए। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सोशल साइट्स के लिंक प्रोवाइड करवाए गए हैं, उनको आप जरूर से फॉलो कर लीजिएगा। सो दोस्तों अगर आप भी Realme 10 Pro Plus डिवाइस यूज़ करते हैं तो फाइनली यहाँ पे न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट जो है रिलीज़ किया गया है जो कि आपको मार्च का देखने को मिल जाता है, जैसे कि अभी आप होम स्क्रीन में देख रहे होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो अपडेट रिलीज़ किया गया है इसके अगर मैं वर्जन के बारे में जो मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो वर्जन मिलता है वो मिल जाता है आपको 8.25 का वर्जन मिल जाता है देखने को, ठीक है, जो कि ऑफिशियल वर्जन है। और फाइल का जो साइज़ है वो 960 MB के आसपास की है, जैसे कि अभी आप देख सकते हैं। और जैसे हम यहाँ पे फीचर्स पे जो क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ इसमें क्या कुछ फीचर्स मिला है। वेल, कमेंट में आप भी बताइएगा आपको ये अपडेट के थ्रू ये यहाँ पे मिला कि नहीं मिला। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पे जो फीचर्स में आपको जो है मार्च का सिक्योरिटी पैच जो है लेटेस्ट वाला यहाँ पे अपडेट किया गया है। ठीक है, और कहीं ना कहीं भाई 960 MB का अपडेट है, बहुत ज़्यादा लेंदी अपडेट है, बट फिर भी कुछ ज़्यादा फीचर्स ऐड नहीं किया। हालांकि जो प्रीवियस प्रॉब्लम थी बग्स वगैरह को लेकर वो यहाँ पे फिक्स करने की कोशिश की गई है। नेटवर्किंग में जो प्रॉब्लम थी जिसकी ऑप्टिमाइजेशन जो है किया गया है, जैसे आपको पता होगा कुछ फेलियर्स से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है यहाँ पे कॉल्स वगैरह को लेकर, नेटवर्क में इस इशू को जो है फिक्स किया गया है। साथ ही साथ स्टेबिलिटी जो है प्रोवाइड करवाई गई है, ऑप्टिमाइज किया गया है, मतलब नेटवर्क की स्ट्रेंथ को। जो भी प्रॉब्लम थी, जो भी जिसे हो सकता है डिस्कनेक्शन की प्रॉब्लम हो या फिर डेटा की प्रॉब्लम हो, कोई भी हो सकती है नेटवर्क से रिलेटेड, वो प्रॉब्लम यहाँ पे फिक्स करने की बिल्कुल कोशिश की गई है। सिस्टम्स की मैं बात करूँ तो सिस्टम्स में आपको यूट्यूब प्लेबैक को लेकर जो प्रॉब्लम थी वो यहाँ पे ऑप्टिमाइज की गई है और कहीं ना कहीं सिस्टम की परफॉर्मेंस को जो है इम्प्रूव किया गया है। और देख सकते हैं जो बग्स वगैरह है उनको फिक्स करने की बिल्कुल कोशिश की गई है। तो यहाँ पे न्यू वर्जन के थ्रू न्यू अपडेट ये रिलीज़ किया गया है भाई, लेकिन फाइल का जो साइज़ अगर मैं बात करूँ तो 960 MB के आसपास की है। तो कहीं ना कहीं भाई इसमें आपको सिक्योरिटी पैच का जो लेटेस्ट वर्जन है, मतलब मार्च का सॉफ्टवेयर वर्जन, वो देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको सिक्योरिटी पैच लेटेस्ट ही मिल जाता है। बाकी देख सकते हैं कुछ इस तरीके का ये अपडेट मिल जाता है देखने को, काफ़ी लंबी फाइल है। वेल, कॉमेंट में आप ज़रूर से बताइएगा आपको इस अपडेट की, मतलब ये जो अपडेट है वो मिला है या फिर नहीं मिला है देखने को। दोस्तों होपली आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।